हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फोर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के क्वेश्चन, जो हम डिटेल में जिनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हिल्ड, तीसरी बुद्ध परिषद कहाँ हुई। हम टोटल बौद्ध परिषद कितनी हुई थी, चार हुई थी। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी, राजगृह में, और दूसरी वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ कश्मीर में। जो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तीसरी पाटलिपुत्र, मतलब तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र शहर किसने स्थापित किया था, उज्जैन ने। और ये तीसरी जो पाटलिपुत्र बौद्ध परिषद थी, ये किसने आयोजित कराई थी, अशोक ने। और इसका चेयरपर्सन कौन था, वो थे मुगलू बुद्धिस्ट, जो इसके चेयरपर्सन थे। तो हम देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी, मतलब कौन स्वतंत्र भारत का पहला सेना अधिकारी था जिसे फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। ये है स्टेटिक क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेम मानकेसा। इसका आंसर क्या हुआ, सेम मानकेसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक पूछी गई है सतपुड़ा श्रेणी की, तो उसका आंसर क्या हुआ, धूपगढ़। मतलब सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। आपको पता हो तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्या श्रेणियों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। और जहाँ पर सतपुड़ा और विंध्या श्रेणियाँ मिलती हैं उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं अमरकंटक, जो ए ऑप्शन है। ये अमरकंटक कहाँ है, जहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी और विंध्या श्रेणी मिलती है, वहाँ पे कौन सा शहर है, अमरकंटक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ये पूछा गया कि इनमें से प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा टेरिलिन। क्या टेरिलिन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। जैसे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ जूट के लिए कौन सी क्रांति शुरू हुई थी, एक हुई थी गोल्डन फाइबर के नाम से। और जूट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, पश्चिम बंगाल में। और इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है जूट उत्पादन करने में, सेकंड। तो इसका ऑप्शन क्या है, कौन है कि प्राकृतिक फाइबर नहीं, इसका आंसर होगा ए, टेरिलिन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब रक्तवाहिकाएं जो हृदय से शरीर को विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा आर्टरीज, मतलब धमनियां, ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन धमनियां। तो ये होता है वेनिज, नसें। ये क्या करती हैं, जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों में से, ये वापस हार्ट में लाने का काम करती है। ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां, आर्टरीज। और ले के आने का काम कौन करती है, वेनिज, मतलब नसें, वो ले के आने का काम करती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस लिंगानुपात सबसे कम रहा, यानी प्रति हमेशा जनगणना किसके अनुसार की जाती है, एक मतलब लिंगानुपात किस पे कैलकुलेट किया जाता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है, विच स्टेट इंडिया हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, मतलब कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसकी सेक्स रेशियो सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर होगा, आप सबके आपको पता ही होगा, हरियाणा। हरियाणा इसका आंसर है। ये एक स्टेटिक्स क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से पढ़ें। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मिलिंद पनाही क्या है। मिलिंद पनाही के बारे में पूछा गया है। मिलिंद पनाही एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो डी ऑप्शन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें मिलांद और नागसेन, जो मिलांद है उसने नागसेन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक टेक्स्ट के रूप में बनाया गया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो इसमें क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसलिए नाम रखा गया इसका, क्योंकि नागसेन ने मिलांद को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया था, और मिलांद और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसी का नाम है मिलिंद पनेही। और वो कौन सी एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें बुद्धों के बारे में बताया गया। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, जो तूरी बंगला और पावा लोक वाद्य यंत्र हैं, मतलब तूरी बंगला और पावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो किस स्टेट के हैं, मतलब लोक वाद्य यंत्र कौन से स्टेट के हैं,
तो इसका ऑप्शन होगा गुजरात। इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? गुजरात। गुजरात एक और चीज़ के लिए फेमस है, गिरी नेशनल पार्क के लिए। गिरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। और गिरी नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं? एशियन लाइन। एशियन लाइनों के लिए गिरी नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन। हाँ, अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डज नॉट रेगुलेट कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मतलब कौन सी स्थान है जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करती? तो इसका ऑप्शन होगा बी, IRDA। IRDA की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? हैदराबाद में। IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। जो सी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ RBI। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और कौन से कमीशन के कहने पर इसकी स्थापना हुई थी? इल्टर यंग कमीशन के कहने पर इसकी स्थापना हुई थी। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन देख रहे हो आप, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और इसको अथॉरिटी कब मिली थी, पावर वो मिली थी इसने 1992 में। और जो इसके चेयरपर्सन है आज के प्रेजेंट टाइम में वो हैं अजीत त्यागी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, आप देख रहे हो। विच ऑफ द फ्लोइंग साइट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया, मतलब सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया इंडिया में कौन सा है? तो वो है, उसका ऑप्शन होगा आप डी ऑप्शन देख रहे हो, सुंदरवन कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं अपने पश्चिम बंगाल में। और इनमें कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट भी सुंदरवन में पाए जाते हैं। इसमें 10,000 स्क्वेयर फीट सारा एरिया है, जिसमें से 4,000 स्क्वेयर फीट इंडिया में पड़ता है और 6,000 स्क्वेयर फीट बांग्लादेश में पड़ता है। और जो ये आप बी ऑप्शन देख रहे हो, वेबनाडकोल क्या है? एक लेक है जो कहाँ पे है? केरल में। सबसे लंबी लेक है जो वेबनाडकोल लेक है, ये केरल में सबसे लंबी लेक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th में, आप देख रहे हो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला मंदिर उपदेश कहाँ दिया? वेहर विज द गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, मतलब कहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया जिसे हम धर्मचक्र के नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा बी, सारनाथ। और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो सारे किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और जो डी ऑप्शन लिया हुआ है, बोधगया क्या है? बोधगया में इन्होंने क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। और जो सी ऑप्शन है, श्रावस्ती, इन्होंने इसने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? उपदेश। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? सारनाथ, मतलब श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन की तरफ 12th क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट जिनेमाइड इज नॉट करेक्ट, मतलब गैनीमेड के बारे में इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है? गैनीमेड किसका एक, मतलब मून कहते हैं, जैसे मून, जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट बोल देते हैं इसको मून। तो जेनेमाइड इसके बारे में, ये किसका है? ये है जुपिटर का, बृहस्पति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बृहस्पति का क्या है? ये एक मून है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एकमात्र चंद्रमा जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पत्ति चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें इंटरनल मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। हाँ, ये बात भी बिल्कुल है। ये आज तक जो टिल डेट है अभी तक, गैनीमेड सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है अपने पूरे सोलर सिस्टम का। इट इज़ ए बिगर देन मरकरी, ये बात भी ठीक है। बुध से ही बड़ा है, ये बात भी बिल्कुल है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सैटर्न, देख मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति मतलब जुपिटर का। तो ये सैटर्न गलत है। और हम अब आज एट प्रेजेंट किसके सबसे ज़्यादा मून है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट किसके सबसे ज़्यादा है? सैचुरन के, किसके मतलब शुक्र के, नहीं पहले हम किस, वो मतलब शनि के सबसे ज़्यादा किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? वो हैं शनि के। पहले किसके होते थे? बृहस्पति के। ओके, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। कोरंडम एक खालिस्तान ऐसा है, मतलब कोरंडम किसकी ओर है? कोरंडम एक ओर है एल्यूमिनियम की एक ओर एल्यूमिनियम की ओर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम की ओर है और कोरंडम भी ओलियम की ओर है। एक आयरन की भी ओर होती है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है आयरन पाइराइट, जिसका फार्मूला क्या होता है? Fe2, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा, कोरंडम और बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है और एक आयरन की ओर होती है, आयरन पायराइट FeS2, जिसको हम फ्यूल गोल्ड के बारे में भी जाना जाता है। जैसे बुध मीन्स बुध का अर्थ क्या है, मतलब बुध को हम किस नाम से जाते हैं, इलेटमेंट वन, ए ऑप्शन जो है पर बुद्धू, जिसे हम ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं हिंदी में, ये आपको वैसे ही याद रखना होगा, एक स्टेटिक क्वेश्चन है। बुध मीन्स बुध का अर्थ है प्रबुद्ध, जो हिंदी में मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। अब हम आएंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, द स्पाइस ड्यूरिंग द संगम एज वाज नोन एज, संगम उम्र के दौरान जासूस के रूप में जाना जाता, मतलब संगम जो एज थी उसके दौरान जो जासूसी था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो हम इसके बारे में बता दें, स्पाइस स्पाइस मतलब एक जासूस को स्पाइस कहते हैं, तो स्पाइस को उस एज में ओरास के नाम से जाना जाता था, ओरास मतलब सी ऑप्शन है जो ओरास, और उस टाइम जो मिनिस्टर होते थे मिनिस्टरों को MHR के नाम से जाना जाता था, प्रिस्ट जो पुजारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, अंथनार, उनको जो पुजारी होते थे संगम उम्र में उनको अंथनार के नाम से जाना जाता था, मिनिस्टरों को MHR के नाम से जाना जाता था, और स्पाइज मतलब जो जासूस होते हैं उनको ओरास के नाम से जाना जाता था। चलो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वास्तुकला की पल्लव चोल शैली को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है, पल्लव चोल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉमनली नोन एज, पल्लव जो पल्लव चोल शैली थी उसको किस नाम से जाना जाता था, ये हमारे जो साउथ इंडियन की साइड होता है उस साइड होते हैं, तो उस साइड जो भी मंदिर बने होते हैं वहाँ पर कौन सी शैली होती है, द्रविड़, और हमारे जो नॉर्थ साइड के होते हैं वहाँ पे कौन सी शैली होती है, नागरा शैली, जो हमारा जब अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है जो ये नॉर्थ इंडिया की साइड बनेगा तो ये नगारा शैली से बनाया जाएगा, जो हमारा ये अयोध्या मंदिर बनेगा उसको नगारा शैली से बनाया जाएगा। हम चलते हैं हम नीचे की ओर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है भी, जैसे ये द्रविड़ शैली, देख द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिरों की आकृति ऐसी होती है, ये दिखाया गया इसमें, ठीक है। तो हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ है, अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में। 17वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सुल्तान डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड, मतलब इसमें क्या है कि राज्य द्वारा सीधे भुगतान के लिए सल्तनत में सबसे बड़ी स्थानीय सेना द्वारा बनाई गई, मतलब सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थानीय सेना किसके पास थी जो सीधा भुगतान करता था, वो था ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, जो ऑप्शन है बी। जो इल्तुतमिश है ये क्या था, दिल्ली का रियल फाउंडर था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको फूल के नाम से जाना जाता था, ये पढ़ा लिखा फूल कहते थे इसको, इस क्योंकि इसने जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो इन्होंने डिसीजन लिए वो सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। जो सिकंदर लोधी है डी ऑप्शन, इन्होंने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18वां क्वेश्चन, द नवाब ऑफ अवध हु वाज अपॉइंटेड द वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज, अवध के नवाब कौन था जो मुगल साम्राज्य में वजीर नियुक्त किया गया था, इसका ऑप्शन है आप आंसर होगा सादत खां, ये एक स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे याद करेंगे सादत खां, और इसके बाद एक सेकंड भी था जो सादत खान के बाद बना था वो था सफदरजंग, जो भी ऑप्शन है इसके बाद ये बना था, हमारे लिए यहाँ तक करना ही काफ़ी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन डिड द कंपनी, 9th क्वेश्चन की तरफ, व्हेन डिड द कंपनी लॉस इज मोनोपोली ऑफ द इंडियन ट्रेड, मतलब कंपनी भारतीय व्यापार ने अपना अधिकार, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारतीय अधिकार को कब तक खो चुकी थी, तो इसका ऑप्शन होगा आपके लिए 1813 और 1833 में क्या हुआ था, दो जो गवर्नर था गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 में। हम आते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, मतलब इसमें क्या क्या पूछा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य आयोजक कौन था, और इसका आंसर होगा आपके पास कंवर सिंह, तो बिहार में 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका आयोजककर्ता कौन था 1857 में, कंवर सिंह, और लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत
हज़रत महल थी और कानपुर से नाना साहेब थे और झांसी से कौन थी रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली से कौन थे बहादुर सफ़र जो मतलब लास्ट शासक थे दिल्ली सल्तनत के। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो जॉब से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी।